जी फिल्म का ट्रेलर. आई मीन मैं तो बहुत कुछ चीज़ें फील कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले 3 और पिक्चरें की थी जो बस नेटफ्लिक्स पे आई थी. तो जैसे मुक्काबाज के साथ हुआ था, जैसे इस पिक्चर के साथ हो रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम जो इतना लाइक इंस्टेंट रिस्पॉन्स लाइक मिल रहा है. तो नया है, इट्स नाइस, अच्छा है. यू नो ट्रेलर की तो हमने बात की जी, काफ़ी सस्पेंस वाला है. तो थोड़ा सा अगर आप हमें ज़रा बताना चाहेंगे कि क्या फिल्म है, मतलब क्या कुछ हमें आप किस किसके साथ में ऐसे बदला लेते हुए हमें दिखाई दे. पर वो ही तो है, आपको अगर समझ नहीं आ रही है अच्छी बात है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, पर इसलिए तो आप पिक्चर देखेंगे. ओके, तो कुछ आप थोड़ा बहुत अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ आप जो मेरा कैरेक्टर है वो जैसे आपने ट्रेलर्स में देखा कि हंट है, चेस है और रिवेंज है. तो जो भी कैरेक्टर्स हैं फिल्म में उनको आइदर वो हंट पे हैं, चेस में हैं या उनको रिवेंज चाहिए. तो जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है हम लोग देखते हैं कि किसको क्या चाहिए और वो ही सस्पेंस है. you know, अगर मैं सैफ अली खान को हमने जितना स्क्रीन पे जी ट्रेलर में देखा काफ़ी डिफरेंट जी हैं, आपको भी हम डेफिनेटली डिफरेंट देखने वाले हैं. तो जब ऐसी फिल्में करती हैं अगर मैं मुक्केबाज की बात करूँ, जैसे ऐसी अगर आप फिल्में कोई करती हैं तो कितना वर्कशॉप करना पड़ता है ज़ोया जी को, लाइक इस फिल्म के लिए जी कितना वर्कशॉप करना. मुक्काबाज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वर्कशॉप्स थी क्योंकि उसमें जो साइन लैंग्वेज का पूरा वो यू नो वो था. इस पिक्चर के लिए आई थिंक बिकॉज पीरियड पिक्चर है, जो यू नो बॉडी लैंग्वेज अलग है, थोड़ा यू नो उतना खुला नहीं है, थोड़ा पेस भी धीरे से है, यू नो सो वर्कशॉप ज़्यादातर उसके लिए थी, जो डायलैक्ट है हमारा उसके लिए थी. मेरी वर्कशॉप सारी दीपक डोबरियाल के साथ थी और वो तो हम सबको पता है वो आई मीन ही इज़ अमेजिंग. तो मैं थोड़ा इंटिमिडेटिंग था मेरे लिए, बट ही मेड मी फील रियली कम्फर्टेबल. तो मुझे बस सीखने को मिला लोगों से जी, जो भी थे मुझसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस थे. सो आई थिंक आई हैड द मोस्ट टू लर्न. सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लाइक अगर जी के साथ की बात करूं एंड सैफ जी जी कैसा रहा एक्सपीरियंस सैफ अली खान? मेरी ज़्यादातर शूटिंग उन्हीं के साथ थी और सैफ अली खान सुन के थोड़ा सब यू नो, लेकिन वो बहुत ही एक्चुअली मज़ेदार हैं, वो बहुत ही जोक करते हैं, लाफ करते हैं, वो ही मेड मी फील रियली कम्फर्टेबल. तो ऐसे लग भी हमको लगा भी नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं. इवन दो हम लोग सब वो पूरे गेटअप में थे, घोड़ों पे यू नो ऐसे धूल मिट्टी में, लेकिन बहुत मज़ा था जी. अगला सवाल मेरा वही था कि धूल मिट्टी में काफ़ी हमें देखने को जी इस तरह का कैरेक्टर ऑफर होता है जी, कितना एक्साइटेड होता है आपके लिए या जी कि अरे यार काफ़ी. नहीं मैं तो बहुत एक्साइटेड थी हाँ. क्योंकि मेरी एक कॉस्ट्यूम है, कुछ है नहीं है, मेकअप भी जैसे है वही है. तो मुझे मज़ा आया बिकॉज यू नो ऐसे ज़्यादा रोल नहीं होते हैं और फिल्म्स भी नहीं होती हैं जब हम लोग इतना इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ यू नो. एंड कभी कभी मज़ा नहीं होता है, लेकिन जब सभी उसी में हैं तो फिर बहुत मज़ा आता है और आपको फिर यू नो कोई परवाह भी नहीं है किसी चीज़ की. यू नो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखने जी जी इस फिल्म के साथ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको सीखने को मिली या फिर आपने सोचा हो कि हाँ ये सारी चीज़ें जी घुड़सवारी जी ऑफकोर्स थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन सो मेरा जो घोड़ा था वो एक्चुअली ही वॉज द ओनली थोरोब्रेड एंड आई मीन एंड मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन ही वॉज अ वेरी यंग हॉर्स ऑल्सो. तो उसको बस हर टाइम खेलना था, तो वो बहुत ऐसे कूदता रहता था एंड उसके ऊपर मैं भी. तो ऑफ कैमरा ही वाज रियली लॉट्स ऑफ फन, पर शूटिंग के टाइम पे उसको बस खेलना था, तो दैट वाज डिफिकल्ट. यू नो आप डायरेक्टर भी हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस तरह की फिल्में जैसा कि आपने भी हमने भी बात की कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही कम देखने जी 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 एज अ डायरेक्टर आप कितना मानते हैं कि इस तरह की फिल्में और आनी चाहिए और खास करके जो कैरेक्टर सैफ जी का कैरेक्टर जी जी का ये लोगों को पता नहीं है जी इसका कितना एडवांटेज होगा. एक्चुअली मैंने दो सवाल आपसे पूछे जी. तो पहला सवाल ये बताइए कि इस तरह की फिल्में कितना और हमारी सोसाइटी में आने की जरूरत है एज ए डायरेक्टर. तो मैंने जो भी डायरेक्ट किया है वो स्टेज के लिए किया है, फिल्म की तो बात ही कुछ और है. तो सब और इसी वजह से मुझे सब इंटरेस्टिंग लगता है, बट स्पेशली इस पिक्चर के बारे में आई थिंक लोगों क्यूरियोसिटी है
एंड ऐसा भी नहीं है कि वो क्या है ये नहीं देखना है, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट दोनों हैं. सो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग टू गेट पीपल इन एंड मेक देम वॉच द फिल्म, बिकॉज ऐसी पिक्चरें ज़्यादा बनती नहीं हैं एंड होनी चाहिए, बिकॉज हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, इतना रिच कल्चर है कि ऐसे एक्चुअली बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं, यू नो. एंड ऑफकोर्स हम सबको कंटेम्प्रेरी यू नो पिक्चरों में भी काम करना है, लेकिन आई मीन आई पर्सनली लव हिस्टोरिकल्स. एंड हम जैसे हॉलीवुड की पिक्चर्स देखते हैं, यू नो दूसरी कंट्रीज़ की पिक्चर देखते हैं, वो इतनी मूवीज़ बनाते हैं वर्ल्ड वॉर पे, उनकी हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, कल्चर पे, लैंग्वेज पे, सब चीज़ों पे. हमारी इंडस्ट्री में उतनी ज़्यादा बनती नहीं है. आई थिंक अब आ रही हैं एंड बनेंगी, और ये अच्छी बात है, बिकॉज हमारी हिस्ट्री भी इतनी डाइवर्स है. जो भी आप यू नो जहाँ पे भी जाएं इंडिया में, इतने अलग अलग से कल्चर्स हैं, इतनी अलग अलग से ट्राइब्स, सेक्ट्स, यू नो ये सब रहे हैं कि हम वी शुड डाइव इनटू इट. आई थिंक बनने चाहिए फॉर श्योर. यू नो इतना सस्पेंस वाला ट्रेलर है कि ज़्यादा कुछ पूछने के लिए है जी. थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में थोड़ा और बताएं कि हाँ, आई नो आपने बता दिया वो सवारी, आप जी ये भी बता दिया टीम के साथ में हम सब कुछ, अगर आई थिंक नॉर्मली जब हम एक सस्पेंस मूवी या थ्रिलर की ट्रेलर देखते हैं, वो ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी मूवीज़ होती हैं. हिस्टोरिकल्स में आई थिंक ये कुछ नया है, तो मैं क्या बताऊँ आपको. आई थिंक किल करते हुए दिखाई देंगे ज़ोया जी, सब सभी को मार रहे हैं पिक्चर में, फिर और सब लोग धूल मिट्टी में हैं, सब लोग घोड़ों पे हैं, सब लोग एक दूसरे को, उस टाइम पे वही तो होता था, एवरीबडी वॉज फाइटिंग विद एवरीबडी. सो वो ही हो रहा है, लेकिन क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, वो आपको देख के पता चलेगा. ओके, सो शूटिंग के दौरान आपने जी एंजॉय किया, लाइक अगर लोकेशन के बारे में जी, सो कितना एंजॉय किया. बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज आई थिंक ये पिक्चर 95% नहीं उससे ज़्यादा पूरी आउटडोर पिक्चर है. हमने इंटीरियर्स आई थिंक किए नहीं, जो भी इंटीरियर्स थे वो एक ऐसे यू नो हट के अंदर या काट के अंदर या ऐसे कुछ हुआ करते थे. हमने बॉम्बे में बहुत ही आई थिंक जस्ट पैचवर्क ही किया था. तो एंड राजस्थान हम लोग जनवरी में गए थे एंड अक्टूबर में ऑन एंड ऑफ करके ख़त्म हुआ हुई पिक्चर. सो वी वेंट थ्रू लाइक विंटर, समर, यू नो स्प्रिंग, फॉल, ये पूरे हमने सीजन एक्सपीरियंस किए. एंड जो राजस्थान में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं यू नो जो पैलेसेस होते हैं और डेजर्ट होता है, बट इन दिस फिल्म यू नो वो विंटर का भी टेरेन है, प्लाटोज भी हैं, जो ग्रीनरी भी है रिवर्स पे वो भी है. एंड आई थिंक नवदीप ने एक्चुअली गूगल मैप्स पे लोकेशंस पिक की थी एक्चुअली, तो सभी नए लोकेशंस हैं एंड इट वाज रियली फन. आई थिंक लकीली ऑल ऑफ अस, हमको नेचर बहुत ही पसंद है एंड वी आर ऑल वेरी आउटडोर पीपल, तो हमने तो बहुत ही मजे किए. ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप एक कैरेक्टर भी हैं यू नो कि आने वाले दिनों में आप हम देख रहे हैं, एक एक्टर बहुत सारी चीजें करता है, जैसे आप हैं जी, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर जी, लिखती भी आप जी, तो एंड सो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, ऐसे कुछ आप इन फ्यूचर में ऐसे कोई प्लानिंग चल रही है जी? डेफिनेटली, आई मीन इमीडिएटली नहीं, लेकिन आई थिंक अभी तो मैं ये सब ही सीख रही हूँ, बट डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट फ्यूचर में कुछ और करना है. आई थिंक आप you know, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं तो यू हैव एक ही तरह नहीं होता है वो एक्सप्रेस करने का यू नो, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढते रहते हो, अगर उसका कोई सेंस भी ना हो, यू फील आई नीड टू जस्ट टेक इट आउट यू नो, एंड देन बाद में जाके आपको आप सोचते कि अच्छा मैं इसके साथ ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ. जब आप कर रहे होते तो अभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वॉट आई कैन डू विद इट. ऐसे कोई फिल्में हम आपको देखेंगे, शॉर्ट फिल्में, लाइक सिंगल का बहुत दौर चल रहा है जी, ऐसे कुछ हम आपको देखेंगे, ऐसे कुछ फ्यूचर में प्लानिंग है? मैंने एक्चुअली काफ़ी कुछ शूट किया है इस साल, वो अगले साल आएगा सब, तो अब मैं है वो, like, फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, सिंगल है, सब फिल्म भी, शॉर्ट फिल्म भी, वीडियो भी, सब कुछ, लेकिन वो अगले साल आएगा जी. और किन किन चीज़ों में और इंटरेस्ट रखती है, लाइक गाने में, गाना गाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं एक्चुअली जब स्कूल में थी मैं फ्लूट प्ले करती थी एंड मैंने जैज ब्लूज में ट्रेन किया, फिर देन थिएटर स्टार्टेड, सो देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट बेसिकली. मे बी, मे बी. ओके, सो 11th ऑफ अक्टूबर का कितना इंतजार है? 18th. नहीं, चेंज हो गया, वो हर महीने चेंज होता है. ओके, सो कितना इंतजार है इस फिल्म को रिलीज होने का? बहुत, आई मीन आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये हमने काफ़ी टाइम पहले शूट की थी पिक्चर एंड इट वॉज लाइक एन एक्सपीरियंस यू नो, बिकॉज हम लोग
full schedule was outdoor. So it was like a proper experience that all of us had, you know. And jo film ki cinematography bhi hai, wo itni large scale pe hai. And zyadatar jab hum large scale shoot karte hain, wo zyada set ka scale dikhata hai, you know, picture jo shooting hoti hai uski. This time it's all nature. So it's all just mountains and rivers and valleys and in us, in all of that. So I mean, all of us are a little narcissistic also. So we're also just waiting to see that, you know, humne kya shoot kiya tha. And jab hum log wahan pe, you know, mar rahe the, kya ho raha tha humare saath. So we're waiting to see it. So 18th of October, for the last kuch kehna chahengi, ye to agar aap hi bole, kyunki hame to pata nahi kya hone wala hai. I hope sab log jaake picture dekhenge. Lagti intense hai, lekin utni intense hai bhi nahi. Okay, isme actually bahut hi zyada maza hai. Bahut interesting characters hain jo I don't think aapne pehle dekhe honge. Ye sab kehte hain, lekin actually for real. And it's a very engaging movie. So aap log bore bhi nahi honge. Thank you. So much.